बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं थ्री टाइप का रशियन सैलेड बनाना सिखाऊंगी, फ्रूट रशियन सैलेड, मैक्रोनी रशियन सैलेड एंड स्पैगेटी रशियन सैलेड। बहुत ही इजी, टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी बनती है। इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको 100% शादी ब्याह वाला रशियन सैलेड बनाना सिखाऊंगी। सिंपल है, ईजी है, बनाने में तो मज़ा आएगा ही, लेकिन इसको खाने में जो मज़ा आएगा, अमेजिंग। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रूट सैलेड। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 से 1.5 सेब ले लिया है मैंने, और इसको अच्छी तरह से धो के मैंने काट लिया है छोटे छोटे पीसीज में। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 केले, बिल्कुल फ्रेश केले लिए हैं मैंने। फ्रेश फ्रूट आपने इसमें यूज़ करना है। 4 केले लिए हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया है। इसके बाद एक बाउल मैं लूँगी इसमें मैक्रोनीज़ का। मैक्रोनीज़ आप किसी भी शेप की ले सकते हैं। उसके बाद 5 टेबलस्पून इसमें जाएगा अंगूर और 5 टेबलस्पून इसमें जाएगा अनार। अनार को इस तरह से मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कितने टेबलस्पून मैंने यूज़ किया था। इसके बाद इसमें मैं फार्म वालों का मिक्स्ड फ्रूट जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैं इसमें 5 से 6 टेबलस्पून जो है वो ऐड करूँगी। इसमें मैंगो है, डैट्स वाई इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस मौसम में मैंगो तो नहीं मिलता, तो ये ऐड करूँगी मैं। इसके बाद इसमें जाएगी कीवी, 3 टेबलस्पून मैंने कीवी ली है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद 6 टेबलस्पून इसमें जाएगी क्रीम, ये फ्रूट चाट वाली क्रीम है जो कि आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएगी, तो 6 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद 3 टेबलस्पून इसमें जाएगी मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं अब चीनी, तो चीनी को आप पीस के भी डाल सकते हैं। 6 टेबलस्पून मैंने ली है, तो यहाँ पे चीनी मैंने डाल दी। उसके बाद 2 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर, और लिटल बिट साल्ट जाएगा इसमें, वो आपकी चॉइस है। अगर आप डालना चाहें तो अब हम इसको चंगी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ये चंगी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी चॉकलेट चिप्स। तो यहाँ पे हमारा रशियन फ्रूट सैलेड बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो चीनी हमने डाली है वो चंगी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं रशियन स्पैगेटी सैलेड। रशियन स्पैगेटी सैलेड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है स्पैगेटी, इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसको मैंने ठंडा कर लिया है, तो ये स्पैगेटी इसमें मैं बाउल में डाल दूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं गार्लिक चिली सॉस, ये शंगरीला वालों की है मेरे पास, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। आप हाली टमाटो केचप भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो 3 टेबलस्पून ये जाएगी इसमें। तो यहाँ पर केचप मैंने डाल दी है। इसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी ग्रीन चटनी, इसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद 1/4 टीस्पून जाएगी काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, और अब हम इसको चंगी तरह से कर लेते हैं मिक्स। तो आपने इसको उठा के इस तरह से दोनों चम्मच से आपने उठा के इसको मिक्स करना है, फिर इजीली मिक्स होगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्पैगेटी सैलेड है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट रशियन मैक्रोनी सैलेड की तरफ। रशियन मैक्रोनी सैलेड बनाने के लिए यहाँ पे ली है मैंने मैक्रोनी, इनको बॉईल कर लिया है। मैक्रोनी आप किसी भी शेप की ले सकते हैं। इसके बाद 4 टेबलस्पून इसमें जाएगी बॉयल्ड गाजर, इसको बारीक सा कट कर लिया है मैंने। उसके बाद 5 टेबलस्पून इसमें जाएंगे मटर, ये भी बॉयल्ड हैं। उसके बाद शिमला मिर्च जाएंगी 3 टेबलस्पून, इनको मैंने बॉयल नहीं किया। उसके बाद ये है मेरे पास इमली की सॉस, यानी कि इमली की चटनी, इमली का प्लम्प है ये ओनली, ये डाल दूंगी मैं 4 टेबलस्पून। उसके बाद 3 टेबलस्पून इसमें जाएगी टमाटो केचप, आप ओनली टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, आप गार्लिक वाली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1/2 टीस्पून जाएगा नमक, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और अब हम इसको चंगी तरह से कर लेंगे मिक्स। हमारा जो रशियन मैक्रोनी सैलेड है ये भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इन तीनों सैलेड्स को डिश आउट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसके ऊपर आपने गार्निशिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रूट सैलेड को डिश आउट कर लेते हैं। एक साइड पे आपने इस तरह से डालना है ताकि बाकी जो सैलेड हैं हमारे वो भी इजीली इसी ट्रे में आ जाएं। उसके बाद ये स्पैगेटी सैलेड जाएगा, थोड़ी सी जगह बना के इसके साथ हम डाल देंगे मैक्रोनी सैलेड। तो हमारे जो तीनों सैलेड हैं यहाँ पे बिल्कुल डिश आउट हो चुके हैं। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आपको बताऊँगी मैं, फ्रूट सैलेड के ऊपर आप इस तरह से चॉकलेट चिप्स डाल दीजिए, और स्पैगेटी सैलेड के मिड में आप रखिए
मिंट और इसके ऊपर थोड़ा सा अनार डाल दीजिए। और जो हमारा मैक्रोनी सैलेड है आप इसको इसी तरह से रहने दीजिए। और हमारा जो रशियन सैलेड है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी पहले रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी, और इन रेसिपीज़ को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसी खुशी में जो हमारे चैनल पे न्यू है अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन ऑन कर दें। ये आप सबकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।